हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं किरण राठौड़ और आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब बहुत जन लड़कियों के ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आप जो ज्वेलरी पहनते हो वो कहाँ से लाते हो, कैसी है, आपके पास टोटल कितनी ज्वेलरी है, कि आप मतलब हर ड्रेस पर अलग अलग पहनते हो वगैरह, ऐसे मैसेज आते रहते हैं। तो उनके साथ मैं आज अब मेरी जितनी भी मतलब ज्वेलरी है वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं है मेरे पास, पर जो जो भी है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से बिना कुछ बकवास किए स्टार्ट करते हैं, और फिर मेरे को रील्स भी बनानी है इसी ड्रेस में। तो मैंने सोचा कुछ और पहन के अगर ये मतलब वीडियो शूट करती तो इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि सब ये राजपूती ड्रेस पे ही पहनने वाली है सब ज्वेलरी। तो मैंने सोचा इसी ड्रेस में, ऐसी कोई ड्रेस में, राजपूती पोशाक में ही मैं ये वीडियो शूट करूँ। मेरा कब से ये मन में था, क्योंकि बहुत लड़कियों के मतलब ऐसे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा बना दूँ जल्दी से। तो आज टाइम मिला है तो मैं बनाती हूँ और जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। ये सारे बॉक्स हैं जो भरे हुए हैं ज्वेलरी से। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, पहन के बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताने वाली हूँ, मेरा फेवरेट हार है और जिसके मैंने इयररिंग्स पहने हुए हैं। हार मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कसम से मैं आपको। सो ये रहा, इस डिब्बे में है, और ये वाला हार मैंने लाया था शादी में, किसी की शादी में थी, मेरे ससुराल में मतलब, तब मैंने लाया था ये वाला। गाइस आपने मेरी बहुत सी वीडियो में देखा भी होगा, ये वाला हार बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो ये मैंने शायद लाया था 450-400 रुपये में लाया था। ये इयररिंग्स ये वाले हैं इसके मैचिंग के, और ये गाइस इसके इयररिंग्स है इसके मैचिंग के, देख लो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इयररिंग्स है। हार भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ मेरा सेकेंड जो फेवरेट है वो वाला मैं आपको हार बताती हूँ, ठीक है। सो गाइज अभी है सेकेंड वाले जो मेरा फेवरेट है उसका नंबर है। तो गाइज ये वाला है मेरा जो फेवरेट सेकेंड है, मतलब फर्स्ट तो वो जो मैंने फर्स्ट में बताया था वो, ये सेकेंड जो मेरा फेवरेट है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बीच में ये बहुत ट्रेंड में चल रहा था, जब मैंने मतलब ऑलमोस्ट सभी जितने भी मैं जिनको मतलब फॉलो करती हूँ उन सब ने ये वाला हार पहना ही है। बहुत ज़्यादा अच्छा है, देख लो बहुत मस्त लगता है जब इसको पहनते हैं, ड्रेस मैचिंग हो या ना हो या फिर भी, तो भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके इयररिंग्स भी बहुत अच्छे हैं, ये देखो एकदम मैच करते हैं इसके, और देखो मस्त लग रहा है। और ये भी गाइज आप मानोगे नहीं कि ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरे मेरा रूम एक छोटा सा अलग है, उधर बिखरे हुए पड़े थे। तो कल मैंने सोचा वीडियोस बनाने का, तो मैंने सब पहले तो व्यवस्थित किए, सारे इयररिंग्स एक में डाले, सारे हार्स एक में डाले, सारे टीके एक में डाले, सारे माता पट्टी सब एक में डाली, सब अलग अलग किया, तब जाके अभी मेरे को आसानी से मिल रहे हैं। वरना मेरे को वीडियो बनानी होती है ना, तो शाम को मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो मेरे को सुबह से ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर रखे होंगे। तो गाइज अभी आता है जो मेरा तीसरा नंबर वाला, जो मेरा फेवरेट है उसका। तो तीसरा वाला ये वाला फेवरेट है, जो अभी अभी आया है नई डिज़ाइन का, और बहुत जनों के मैंने देख भी लिया है, और आपने मेरी बहुत सी वीडियो में ये देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड ब्यूटीफुल है। बहुत देखो इतना मस्त लग रहा है। अब ये पहन लिया तो मतलब और कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, गले में पूरा गला भरा हुआ लगता है इससे, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैंने ये सिर्फ 150 रुपये में लाया था, आप मानोगे नहीं हमारे यहाँ पर ज्वेलरी बहुत सस्ती मिलती है। अब किसी को लेनी हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं लाके दे दूँगी डिस्काउंट के साथ। अब इसकी इयररिंग आपस ही ढूंढने पड़ेंगे। ये गाइस देखो ये है इसकी इयररिंग्स, जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इसके मैच के हैं ये इयररिंग्स। ये हार बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब मैं आपको बताती हूँ चौथा वाला, तीसरे वाले हार की बात करते हैं, और तीसरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखो गाइस ये भी आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी मैंने इधर से ही लाया था सिंगवन से। ये है इसकी इयररिंग छोटे से, अगर ऐसे कहीं अपन को पोशाक पहन के जाना है तो भी ये सिंपल सा है, इयररिंग भी सिंपल से पहन सकते हैं अपन। तो ये मैंने लाया था सिर्फ 100 रुपये में, आप मानोगे नहीं मैंने सिर्फ ये 100 रुपये में लाया है, और बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ मैंने एक और लाया था वो मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ मैंने ये वाला लाया था पिंक कलर का, ये ग्रीन हो गया था ये, तो फिर मैंने ये पिंक लिया था,
और इसका ईयरिंग का एक का है जो टूट गया था। ये अब 100-100 रुपये में तो यार गाइस क्या ही मिलता है। तो मैंने ये दोनों हार लिए थे, देखो ये इसकी ईयरिंग मैच के और ये हार। बहुत सी वीडियो में आपने देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है, सिंपल, ये गला पूरा भर जाता है। तो आप ज़रूर बताना कि कौन सा अच्छा लगा आपको। अभी तो मैं आपको बताती हूँ जल्दी जल्दी, ये भी लाया था मैंने 100 रुपये में, अभी सिंगवन से लाया था 100 रुपये में ही। इसके साथ भी मैंने एक और लाया था, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा भी होगा, ये वाला हार बहुत ज़्यादा अच्छा, सिंपल, मतलब यहाँ पे कम प्राइस में मिल जाते हैं तो अच्छा है। ये इसके ईयरिंग है छोटे से, कहीं पे भी अपन जाए छोटा, मतलब ऐसे कहीं जाना है तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और इसके ईयरिंग्स, और इसके साथ में मैंने लाया था ये वाला, ये भी 100 रुपये में लाया था, आपने वीडियो में देखा होगा बहुत सारी। मेरी एक आदत है कि मैं सब सही नहीं रख पाती, तो मेरे ये पीछे की जो इसकी डोरी थी वो टूट गई, तो मैंने जुगाड़ लगाया और ये बांध दी मैंने। फिर इसके फिर ईयरिंग्स है ये वाले, अच्छे लग रहे हैं, छोटे से मस्त है, आपने बहुत सी वीडियो में देखा भी होगा और ये डायलॉग मैंने 1000 बार बोल दिया, पर देखो। फिर ये है गाइस जो बहुत ज़्यादा पुराना है पर बहुत अच्छा लगता है, ये देखो, ये भी मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है। इसकी ईयरिंग्स है, इसकी ईयरिंग्स भी बाव, मतलब काफ़ी अच्छे हैं, ये देखो बहुत मस्त लगता है। अब मैं फटाफट बताती हूँ तीसरा वाला, मतलब आगे नंबर तो पता नहीं मेरे को, भूल गई, ये वाला, ये पहले पहनते थे, अब मेरे पास था तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, मैंने कई वीडियो में पहना हुआ है। और एक ये सिंपल, ऐसे मेरे को मस्त लगते हैं जो एकदम सिंपल से होते हैं। और ये वाला तो आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा भी होगा, और ये मैंने, मानोगे नहीं, मैंने जुगाड़ से बनाया है। आपको बताओगे कि बीच में जो पूरे सेट मिलते थे उसका यहाँ का था, लकड़ी का ये, फिर मैंने क्या किया, मैंने तोड़ा, फिर इन दोनों को जॉइंट कर दिया, तो ये मस्त गले का बन गया। और फिर इसके, मतलब मेरे पास एक ईयरिंग पड़े थे वो इसके मैच होते थे, तो फिर मैंने ये वाले ईयरिंग्स इसके साथ रख लिए जोड़े का, तो ये पूरा सेट बन गया। और जुगाड़ से ये पीछे बांधने के लिए लेस लगा दी। आज 12 से 15 हार है, और अभी मैं क्या, किसी की शादी आती रहती है तब लाती रहती हूँ। अभी मेरी फ्रेंड की शादी है 1 मई को, तब मैं और दूसरे लाने वाली हूँ, तो वो तो आप मेरी वीडियोस में देख लेना। अभी ये तो हो गए हार, अभी मैं आपको बताती हूँ माथा पट्टी, कि माथा पट्टी का भी मेरे पास काफ़ी कलेक्शन हो गया है। एक तो ये वाली बहुत ज़्यादा सिंपल एंड अच्छी लगती है मेरे को। सेकेंड है ये फ्लावर वाली, ये भी आपने काफ़ी देखी होगी। मैं क्या करती हूँ, कभी तो सिर पे पहन लेती हूँ और कभी गले में भी डाल देती हूँ, क्योंकि गले में भी ये अच्छी लगती है। ये सिंपल गल मस्त लगती है। फिर है ये वाली, ये मस्त लगती है। फिर है ये वाली, फिर ये पांचवी, ये देख लो, फिर है गाइस ये पूरे सेट, वो आता था ना सेट के ऊपर की, ये नहीं, काफी भारी है, ये सिर पर टिकता ही नहीं है, बाल बिखर देते यार। ये मैंने, मतलब मेरी मम्मी ने लाई थी, बहुत पहले इसकी फैशन चलती थी, ऐसी ऐसी दो है मेरे पास, इसकी वो आगे नहीं आती थी रखड़ी, इधर आगे ही डाली हुई आती थी वो वाला। ये फिर है ये मेरी मम्मी ने लाई थी, मतलब बहुत पहले की है ये। ऐसे करके मेरे पास माथा पट्टी गर्ल्स है टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 माथा पट्टी है। सो गाइज अभी बात करते हैं रखड़ी की, ये वाले बोर की। तो गाइज बोर मेरे पास कम है, क्योंकि मेरे को अच्छे नहीं लगते, मतलब इतने मेरे पसंद नहीं आते मेरे को,
तो एक तो ये वाला है, ये एक ये है, एक ये वाला है, ये भी अच्छा है दो, और ये एक ये वाला है छोटा सा जो बहुत पहले चलता था, अभी तो बड़े बड़े पहनते हैं, ये है एक गाइस, ये है, और एक मेरा टूट गया अभी अभी, एक ये ऐसी जो रखड़ी पहनते हैं वो वाली है, पर ये मेरे को अच्छी नहीं लगती, एक ये है, मतलब ये है नहीं, ये था जो टूट गया फिलहाल। अभी मैं आपको बताती हूँ, नथ रखड़ी मेरे पास है, टोटल 5-6 रखड़ियाँ होंगी मेरे पास। अब बताती हूँ मैं, नथ मेरे पास थी दो, जो एक तो मेरे टूट गई और एक मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो में देखी थी, आपने देखी होगी वो, ये वाली, ये भी काफ़ी अच्छी है, पर अभी इसकी फ़ैशन नहीं है, अभी वो दूसरी आई है उनकी फ़ैशन है, तो वो मेरे को अभी मेरी फ्रेंड की शादी है तब मैं लाऊंगी, तब आप लोग देख लेना वीडियोस में। अब मेरा सबसे क्यूट जो बॉक्स है ना, उसका नंबर है ये छोटू वाला बॉक्स, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये बेसर है, इसमें सारे बेसर, जो मेरी मम्मी ने मेरे को छोटा सा बॉक्स दिया कि सारे तेरे नाक के जो है बेसर वो इसमें डाल दे, अच्छे लगेंगे, मतलब सही ठिकाने पर रहेंगे, वरना मिलते ही नहीं है मेरे को। देखो गाइस, एक तो ये वाला आपने मेरी बहुत सी वीडियो में देखा होगा, ये मेरा सबसे फेवरेट वाला है, और ये मैंने सिर्फ 50 रुपये में लाया था, ये एक तो फेवरेट है। सेकंड नंबर पे है ये वाला, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने बहुत पहले लाया था ये वाला, मस्त लगता है ये भी मैंने 50-60 रुपये में लाया था। फिर गाइस है ये ग्रीन वाला, ये भी बहुत अच्छा है, ग्रीन जो भी अगर ग्रीन ड्रेस पहने तो उसके लिए बेस्ट है, मस्त लगता है ये, चांद वाला है, ये भी मैंने 50-60 रुपये में ही लाया था। गाइस ये है एक, पूरी नाक के अंदर डालने की है फीनी, ये ऑनलाइन लाई थी। फिर है गाइस, ये तो बहुत पुराने हो गए बेसर, ये है छोटू सा, एक ये है, बेसर का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है, मेरे को मस्त लगता है, एक ये सिंपल है, एक गाइस ये वाला है, और एक ये चांद वाला, ये मस्त लगता है मेरे को। तो ऐसे करके मेरे पास बेसर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और एक में पहना हुआ 11, ऐसे करके गाइस मेरे पास है टोटल 11 बेसर, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अभी नंबर है बाजूबंद का, तो मेरे पास ये वाले बाजू है, मतलब मैं, मेरे को ऐसे बाजू इतने पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो अपन अगर वीडियोस बनाते हैं तो भी इधर उधर मतलब घूमना वगैरह पड़ता है, तो अपनी ही लगती है, और दूसरा क्या, शादी में तो अपन बिल्कुल नहीं पहन सकते, क्योंकि मेरे को नाचने का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरे को मज़ा आता है बंदोली में नाचने का, तो फिर क्या होता है, इधर लगती है उस किसी के, इधर लगती है, भीड़ होती है फिर, तो लगती है उन लोगों के, फिर वो गुस्सा होता है, तो फिर मैं तो पहनती नहीं हूँ भैया, मतलब ये नहीं पहनती बाजूबंद, नहीं पहनती, कभी कभार वीडियोज़ में। सो गाइज, टोटल मेरे पास यही ज्वेलरी थी जो मैंने आपको सब आपके साथ शेयर कर दी है। अब मैं जल्दी से समेट के अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि अभी मतलब यही ज्वेलरी थी मेरे पास, क्योंकि आप इंडियन मदर्स को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप सबके मम्मियाँ, मेरी भी मम्मी वैसी है, मेरे को कुछ लाने नहीं देती, मतलब अगर मार्केट जाओ मम्मी के साथ तो वो अगर इस दुकान में गए तो वहाँ से भी भगा देगी, उस दुकान में गए तो वहाँ से भी भगा देगी, मम्मी के साथ मार्केट में मतलब जा ही नहीं सकते। अगर अपन को कुछ भी लाना है अच्छे से तो अकेले जाओ, सीरियसली अकेले जाओ, मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मम्मी के साथ जाती हूँ, उस दिन से मम्मी के जो सामान लाना होता है वो लाती हूँ, मेरे जब मैं जाती हूँ तभी ला पाती हूँ, क्योंकि मम्मी मेरे को लाने ही नहीं देती, इतने पैसे खर्च करके ऐसे करके सिर खा लेती है, तो मैं अकेले ही जाती हूँ। अब नेक्स्ट टाइम अब और क्या ज्वेलरी लाऊंगी वो मैं आपको। तो गाइज, अभी मेरे को इस वीडियो में मतलब इस ड्रेस में बनानी है रील, तो मैं जल्दी से बनाती हूँ रील, और ये फिर सारा सामान लेके जाती हूँ नीचे, क्योंकि मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ऊपर और मैं अकेली कर रही हूँ, आगे फ़ोन रख के, क्योंकि मेरा भाई चला गया है खेलने के लिए, वो मेरी वीडियोज़ अभी बनाता ही नहीं है, उसने बंद कर दिया है, तो अभी मैं जल्दी से वीडियोज़ बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ, आप मेरी रील्स इंस्टाग्राम पर देखना मत भूलना। और यार, मैंने अभी अभी वीडियोस का यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सपोर्ट करो यार, न्यू ब्लॉगर बनी हूँ, तब बोलने में वगैरह थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इतना फास्ट ब्लॉगर बोल पाते मेरे से नहीं हो पाता, तो मैं जितना होता है मैं उतना मेरा बेस्ट करती हूँ, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर तो कर ही दो, और पूरा वीडियो देखो ताकि मेरा थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए,
गाइस तो मैं जल्दी से रील्स बनाती हूँ, आपसे फटाफट मिलती हूँ वापस से, ठीक है। सो गाइस मेरी इस ड्रेस में ऑलमोस्ट सारी रील्स बन चुकी है, मैंने सब रील्स बना ली है, थोड़ी मेरे भाई को बुला के भी बना दी है। अब वो सारी रील्स मेरे इंस्टाग्राम पे देखना, फटाफट लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। और ये जो भी मैंने वीडियो ज्वेलरी का बनाया आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, मैं जो भी न्यू मतलब ज्वेलरी लाऊंगी तो पक्का दूसरा और भी वीडियोस बनाऊंगी। तो अभी मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जब तक पूरा ये व्लॉग देखना मत भूलना गाइस, लाइक कमेंट शेयर तो पक्का कर देना, और फिर मिलते हैं वापस नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।